हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतुष्टि जैन के चैनल में। आज मैं आपके लिए उपवास की चटपटी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आलू की चटपटी चाट, जो कि उपवास में भी खा सकते हैं। अभी नवरात्रि स्पेशल उपवास चल रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये उपवास के लिए चटपटी चाट है। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, इतनी स्पाइसी एकदम चटपटी है। तो शुरू करते हैं चाट की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पुदीना लिया एक गड्डी, और इसी के साथ में 8-10 हरी मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मिर्ची ले सकते हो। मिर्ची को मिक्सर के जार में डालेंगे और पुदीने को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में हम पुदीने को पानी थोड़ा सा निचोड़ लेंगे और फिर मिक्सर के जार में डाल लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाला है मैंने यहाँ पर। थोड़ा पिसा जीरा लिया है 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक चटनी बना लेंगे। एकदम बढ़िया चटनी पीस लेना है, एकदम चिकनी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चटनी हमारे यहाँ पे आलू रेडी हो चुकी है। पीसेस कर लिए हैं, आलू का छिलका निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बहुत छोटे पीस नहीं करना है, मीडियम साइज के किया है मैंने। सो फ्रेंड्स, एक पैन में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है अच्छे से, गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और हमने ये जो आलू के पीस करके रखे ये हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा ना डाले, थोड़ा ही डाले। शैलो फ्राई के लिए जैसे डालते हैं बस वैसे ही डालना है, उतना ही ऑयल डाले और शैलो फ्राई करेंगे हम आलू को। लाइट ब्राउन होने तक के शैलो फ्राई करना है। इसे अच्छे से हिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें आलू को ज़्यादा बॉईल ना करें, बस एक सीटी लेने तक के ही बॉईल करें, वरना ये ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो बहुत ऑयली हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है आलू का। इसे और हम 1 मिनट तक होने देंगे। लगभग 1 मिनट हो गया, हम अब इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है हमारे आलू को, एकदम गोल्डन ब्राउन, बहुत बढ़िया। अब हम इसे एक डिश में निकाल लिए। हमने जो पुदीने की चटनी बना कर रखी है ये हम इस पर डाल लेंगे, जिससे कि हमारी चाट एकदम चटपटी स्पाइसी बन जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लेंगे। इसी के साथ में हम थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे इसमें, और थोड़ा चाट मसाला ले लेंगे, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डाल लेंगे हम इसमें। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाती है। अब हम इस चाट में बढ़िया नींबू का रस निचोड़ लेंगे, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाएगी। देखते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ये। सो फ्रेंड्स, उपवास में भी चटपटी चाट खा सकते हैं और बढ़िया चाट का मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी उपवास की चाट। आप देख सकते हो हमारी उपवास की चटपटी आलू की चाट रेडी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।